गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड अ न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर। दिस इज चैप्टर नंबर 15, एम इज एंड आर। ओके, हमने पहले भी एम इज एंड आर अर्लियर क्लास वन में पढ़ा है, एम कहाँ यूज़ होता है, इज़ कहाँ यूज़ होता है एंड आर कहाँ यूज़ होता है। बस आज आपको याद करना है कि एम आर एंड इज़ कहाँ यूज़ होता है। ओके, अंडरस्टैंड इट केयरफुली, लिसन एंड लेट्स अंडरस्टैंड यूज़ ऑफ एम। एम कहाँ यूज़ होता है? आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम सैड। एम, एम हमेशा आई के पास ही यूज़ होता है। एम और एम कहीं भी यूज़ नहीं करते, एम ओनली वी यूज़ इन फ्रंट ऑफ आई। ओके, एम ओनली वी यूज़ इन फ्रंट ऑफ आई। यूज़ ऑफ इज़ कहाँ यूज़ होता है? अली इज़ अ टीचर, ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट। मीरा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ वेरी नॉटी। दिस इज़ योर बुक, दैट इज़ माई। देर इज अ नेस्ट ऑन दैट ट्री। ओके, इज़ कहाँ यूज़ होता है? इज़ हमेशा एक सिंगुलर चीज़ के सामने में यूज़ होता है। सिंगुलर प्लूरल आपने पहले भी पढ़ा है। सिंगुलर मतलब वन, ओनली वन थिंग, एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा, टू थ्री फोर, जितना भी आप बोल सकते हो उसको प्लूरल। ओके, सो इज़ हमेशा एक सिंगल पर्सन के सामने में, सिंगल चीज़ के सामने में इज़ यूज़ होता है। ओके, लाइक अली इज़, मीरा इज़, दिस इज़, देर इज़, ही इज़, शी इज़, दैट इज़। ओके, दिस इज सिंगल, एक सिंगल सिंगुलर चीज़ों के लिए इज यूज होता है। देन यूज ऑफ आर, वी आर गुड फ्रेंड्स। ओके, यू आर माई सिस्टर, यू गर्ल्स आर ऑलवेज मेकिंग ए नॉइस, दे आर ऑलवेज हैप्पी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वी आर, यू आर, यू गर्ल्स आर, दे आर, ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे ये सारे प्लूरल्स हैं। वी मतलब हम सब। ओके, हम सब मतलब तो वहाँ पे सिंगल पर्सन है ही नहीं, मोर देन वन है। सो दैट इज़ व्हाई वी यूज़ ऑन दैट प्लस आर। ओके, यू आर, हम मैंने आपको लास्ट क्लास वन में बताया था दैट यू हम दो चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हम एक सिंगल पर्सन को भी यू बोल सकते हैं। ओके, और हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को भी यू बोल सकते हैं। सो यू के साथ हमेशा हम आर का इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ हम कभी भी इज़ का यूज़ करते ही नहीं है, ना ही एम का यूज़ करते हैं। ओके, देन यू गर्ल्स आर ऑलवेज मेकिंग ए नॉइस। हियर ऑल्सो आप तो यहाँ पे देख ही रहे हो कि जी आई आर एल एस, गर्ल्स इज़ रिटन देयर। सो गर्ल्स का मतलब क्या है? गर्ल्स तो नॉट ए सिंगल गर्ल, इट इज़ मोर देन वन गर्ल। सो गर्ल्स प्लूरल फॉर्म जहाँ पे भी आएगा, आपको नाउन का अगर प्लूरल फॉर्म जहाँ भी दिखेगा तो वहाँ पे आर क्या हो जाएगा? आर, हमारा आर यूज़ होगा, नॉट इज़। ओके, दे आर ऑलवेज हैप्पी। दे, वो सब हमेशा खुश रहते हैं। ओके, सो दे मतलब, हाँ, दे मतलब वो नॉट ए सिंगल पर्सन, मोर देन वन पर्सन। ओके, इसीलिए वहाँ पे वो प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए वहाँ पे आर यूज़ हुआ। और हम एम, इज़ और आर को और एक चीज़ भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ओके, हम एम, इज़, आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये चैप्टर में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ, इसे हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ओके, आप सम मतलब हम वर्ब को हेल्प कर रहे हैं और भी अच्छे से समझने के लिए, विद द हेल्प ऑफ इज एम आर। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर ए, यू कैन सी, पुट एम, इज और आर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें क्या करना है? एम, इज, आर को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। आई एम बिजी टुडे, आई एम, यू कैन सी आई के पास हमेशा एम यूज़ होता है, मैंने बताया। यू आर ए लेजी बॉय, यू के पास ऑलवेज आर का इस्तेमाल होता है। यू के पास ना ही एम लगता, ना ही इज़ लगता, ये दोनों चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है। आई के पास हमेशा एम यूज़ होगा, यू के पास हमेशा आर यूज़ होगा। द ट्रेन इज़ लेट, हियर द ट्रेन इज़, वाई वी यूज़ इज़, बिकॉज ओनली वन ट्रेन इट इज़। इट इज़ हॉट टूडे, ओके, आज का दिन बहुत गर्म है, इट इज़ हॉट टूडे। द नंबर फाइव, आई एम 7 years old, हियर वॉट इज रिटन, आई एम 7 years old, आई के पास एम का इस्तेमाल हुआ। देयर आर 7 days इन अ वीक, ओके, देयर आर, देयर और देयर, ये दोनों वर्ड्स कहाँ यूज़ होता है? सिंगुलर में कभी भी यूज़ नहीं होता, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल चीज़ों के पास में ही देयर का यूज़ होता है। सो ऑब्वियसली हम अगर यहाँ पे देयर लिख रहे हैं तो उसके पास आर इस्तेमाल करेंगे, क्यों, आर भी प्लूरल चीज़ों के सामने में यूज़ होता है। 7 days एंड नॉट सिंगल डे के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ 7 days के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ। देयर आर ए हाउस ऑन ए हिल, ओके, देयर आर ए हाउस ऑन ए हिल। यू आर वेरी नॉटी, यू कैन सी यू के पास आर का यूज़ हुआ। ओके, दिस इज एक्सरसाइज नंबर ए। देन इन एक्सरसाइज नंबर बी, टिक द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस में करेक्ट इज एम आर को यूज़ टिक करना है। ओके, अजिता,
अजिताभ इज अ डॉक्टर. ओके, अजिताभ इज अ डॉक्टर इज अ सिंगल पर्सन, दैट इज वाई इट इज द करेक्ट वर्ड. आई एम ग्लैड यू गॉट द प्राइज. आई एम नॉट, आई इज रॉन्ग होगा. आई एम ग्लैड यू गॉट द प्राइज. यू आर ब्रिलियंट. आई कांट मैच यू. यू आर, ओके. यू एंड जेनी आर गुड फ्रेंड्स. दे आर वेरी रूड. जिल्स फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. दिस टीम इज डेफिनेटली गोइंग टू विन. दोज एप्पल्स आर जूसी एंड स्वीट. ओके, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स को टिक करा गया है, दैट इज द करेक्ट वर्ड विच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस. देन दिस इज फन टाइम. व्हाट इज फन टाइम? इट इज रिटन, डिस्क्राइब दिस पिक्चर्स बाय मेकिंग करेक्ट यूज ऑफ इज एंड आर. यूज इज एंड आर को यूज करके हमको करेक्ट सेंटेंसेस लिखना है. ओके, द बॉय इज टाइंग हिज शू लेस. यू कैन सी ए पिक्चर. हमें पिक्चर को देख के करेक्ट सेंटेंस लिखना था, तो द बॉय इज टाइंग हिज शू लेस. यहाँ पे एक ही बॉय है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया. यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, द बॉय इज फिलिंग हिज वाटर बॉटल. आप पिक्चर देख रहे हो, द बॉय इज फिलिंग हिज वाटर बॉटल. एक ही बॉय है, सिंगल बॉय है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया. दिस इज ए पेयर ऑफ न्यू शूज. इट इज अ वन पेयर. वन पेयर है वो. ओके, एक पेयर है. यहाँ पे आप ये मत सोचना कि ये दो शूज है तो यहाँ पे हमें आर यूज़ करना चाहिए. नो, इट इज़ वन पेयर. पेयर के बारे में बोला गया. पेयर मीन्स अगर कोई दो चीज़ एक साथ अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको पेयर बोलते हैं. ओके, सो इसीलिए दिस इज अ पेयर ऑफ न्यू शूज़. यहाँ पे पेयर का यूज़ हुआ. पेयर हम बोले इस सेंटेंस में, इसीलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.